टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ऑब्वियस रीजंस की वजह से बना हुआ हेडलाइंस में। शहजादा धामी और प्रतीक्षा की एग्जिट के बारे में बात की है हाल ही में शिवम खजूरिया ने, जो इस शो में रोहित पोडार का किरदार निभा रहे थे और काफी महीनों से गायब थे। ही इज बैक नाउ और उन्होंने बताया कि एक हफ्ते पहले उन्होंने गर्वता के साथ एक मॉक शूट की थी जो कि अब रूही का कैरेक्टर प्ले करेंगी, और तभी उन्हें डाउट हुआ था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर चल रही है क्योंकि ऐसे वो दूसरी एक्ट्रेस के साथ क्यों टेस्ट दे रही हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बात इतनी बढ़ चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि लास्ट वीक कुछ ऐसा हुआ सेट पर जिसके बाद राजन शाही ने डिसाइड किया शहजादा और प्रतीक्षा को शो से बाहर करने को लेकर। शिवम ने कहा कि प्रतीक्षा एक न्यूकमर थी और उन्हें अपनी क्राफ्ट पर फोकस करना चाहिए था, बट वो इधर उधर डाइवर्ट हो गई और अपना रास्ता भटक गई। जबकि शहजादा के लिए उन्होंने कहा कि वो पहले दिन से ही थोड़े से बिहेवियरल इश्यूज की वजह से नजरों में आने लग गए थे, लेकिन एक प्रोड्यूसर कब तक इन चीजों को इग्नोर करेगा। शिवम ने ये भी बताया कि शहजादा सबको कहते थे कि वो उन्हें सर कहकर बुलाए और ये सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती गई जिसकी वजह से राजन शाही को ये डिसीजन लेना पड़ा। राजन शाही ने एक मीटिंग में शहजादा और प्रतीक्षा को अपने डिसीजन के बारे में बताया, जिसके बाद शहजादा इमीडिएटली मीटिंग बीच में छोड़कर वहां से चले गए, जबकि प्रतीक्षा काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वहीं राजन शाही ने बाकी सभी एक्टर्स के साथ मीटिंग में कहा कि इस शो से मेरा घर की रोटी आती है तो मैं लीनियंट नहीं हो सकता अपने इस शो को लेकर। बहुत से फैंस है जो कह रहे हैं कि प्रतीक्षा वॉज नॉट अ गुड एक्टर, तो ठीक है उन्हें रिप्लेस करना बनता है, लेकिन शहजादा को एज अरमान फैंस ने एक्सेप्ट कर लिया था एंड द न्यू अरमान रोहित पुरोहित उनकी जगह नहीं ले पाएंगे। और इससे भी बड़ी बात, बहुत सारे मॉक शूट्स हमें देखने को मिले, ये वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर नए अरमान और रूही दिख रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री भी बहुत अमेजिंग लग रही है, लेकिन फैंस का क्वेश्चन ये है कि अरमान और रूही की ऐसी केमिस्ट्री से क्या फायदा होगा, क्योंकि शो के लीड्स तो मेन जोड़ी तो अरमान और अबीरा है, तो समृद्धि शुक्ला के साथ ये टेस्ट क्यों नहीं लिया गया है।